गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टाइम हो रहा है 6:30 बज रहा अभी और फाइनली बैक पैक हो चुका है। अभी हम लोगों ने जाना एक नए ट्रैक को एक्सप्लोर करना है क्योंकि हम लोग उस ट्रैक पे कभी गए नहीं है। तो बैक पैक हमारा कल रात को हो चुका था, अभी जस्ट 6:30 बजे हमारा फॉलिन होना है, उसके बाद निकलना है हमने अपने जो आज का ट्रैक है टेकला, जो ट्रैक है ट्रैक पे निकलना है। और एनएम कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कल हम लोग ये जो आपकी रॉक वगैरह है उस पर क्लाइम किया हम लोग आए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नोट वगैरह सीखने को मिला, फिगर एट है जैसे थम नोट है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आई होप हम कोशिश करेंगे यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएँ और जितने भी हमारे इधर जो कैंपिंग वगैरह होती है या जो ट्रैकिंग एडवेंचर होता है हम उन लोगों को हम लोग भी सिखाएं, तो तभी जाके इसका बेनिफिट है कुछ कि हम दूसरे को अपना ज्ञान दूसरे को दें। तो देखते हैं सारा कुछ, सारे लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग लगभग 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे से हाथ मुँह धोना, फ्रेश वगैरह होना, नहाना, सारा कुछ हो चुका है, चाय वगैरह हो गया। चाय का टाइम है 5:30 बजे, चाय वगैरह पी के अभी अपने रूम पे हैं और 6:30 बजे फॉल इन होना है। कैसे हो? बढ़िया है। गुड मॉर्निंग, मस्त, कैसे चल रहा है? बहुत मज़ेदार। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। और भाई तमंचे पे डिस्को, ठीक है? तमंचे पे मैडम कैसा है? अरे कैसा है, हंस रहे हो? कैसा है? मस्त। चलो 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 कैसे हो? बढ़िया है, आप कैसे हैं? बस हम तो मस्त हैं। मस्त है ना, ठीक लग रहा? बहुत मज़ा आ रहा। गुड, ये वीडियो बनाते रहे ना। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग क्या क्या इसके बारे में मिस्टर मुराद? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुजान भाई, कैसे हो? फाइन। मजे में? कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। और तो आज टेकला है, काफ़ी एक्साइटेड है सारे लोग। बिल्कुल। भाई तीन बंदे कहाँ हैं? फाइव ग्रुप के निकालो भाई इस साइड। यहाँ लीडर नहीं है, तीन बंदे नहीं आए अपने ग्रुप में, सारे भाई साइड पे। अच्छा हो यार, मजे यार। कैसे चल रही है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग अभी यहाँ क्लाइंबिंग भी चल रही है, माउंटेनिंग। सो फाइनली निकलते हैं हम अपने ट्रैक पे और एनएम से धीरे धीरे टीम मूव करती हुई जो आज का जो हमारा रूट है जो टेकला है, टेकला के लिए टीम निकल चुकी है, मूव कर चुकी है। टाइम हो रहा है आपका लगभग 7 बजे टीम अपने एनएम से मूव करती है। देखते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है टेकला है, टेकला कब तक पहुंचती है, रास्ते में दिखाते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। तो हम लोग निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए और लगभग हम 4:30 बजे उठ गए थे, उसके बाद नहाना धोना, हाथ मुँह धोना और चाय वगैरह पीना। 6:30 बजे हमारा फॉल इन होता है, उसके बाद अभी टीम धीरे धीरे मूव कर रही है, निकल रही है अपने ट्रैक पे। तो दिखाता रहूँगा मैं आपको अपना इस ट्रैक को, एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा कि कैसा है क्या है और इसके बारे में आप लोगों को दिखाता रहूँगा। उत्तरकाशी ये सामने है, ये पूरी वैली उत्तरकाशी की है ये वाली। और सबसे छोटा ये है हमारे ग्रुप में आशीष, हम तो आपके ग्रुप से हैं। उसका पसीना पसीना अभी हालत कुछ ऐसी है, पूरे पसीने से लग कर रहे क्योंकि वीडियो बनाते समय आगे पीछे होते जा रहा है।
तेज हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है, तो कोई नहीं, आज का जो ट्रैक है मज़ा आने वाला है इस ट्रैक पे, तो देखते हैं कैसे होता है। कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पिट्टू के साथ भागना पड़ता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं ब्रिज पे, जो ये उत्तरकाशी का जो ब्रिज है, इस ब्रिज से जो नदी निकल रही है ये है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी है जो इसका संगम है। ये भागीरथी कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपकी देवप्रयाग पे, देवप्रयाग पे जो संगम है, संगम पे मिलती है। तो लगभग अभी हम ब्रिज पे पहुँच चुके हैं, जो उत्तरकाशी जो मार्केट है, मार्केट पे पहुँच चुके हैं, और भागीरथी का जो लोकेशन है कुछ इस प्रकार है। ये नीचे है और ये है आपका उत्तरकाशी जो मार्केट है, इधर है वो, सामने भी है। हम लोग आए हैं जो टॉप है, टॉप के पीछे से हम लोग आए हैं। तो अभी लगभग हम लोग 3 किलोमीटर के करीब चले हैं, अभी हमें 8 किलोमीटर और चलना है। मज़ा आ रहा है, और ये है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग पार्टी है। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है, माँ की कसम। आपके पास तो रोप है? रोप है मेरे पास, और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज। देख हमारा पकड़ के लेके भागे, हमारा परम धर्म है जो थकेगा उनको उठा के ले जाते हैं। वो उठा के नहीं, पकड़ के ले जा रहे हैं। जबरदस्ती जबरदस्ती ऐसा ना बोलिए। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद अभी थोड़ा सा अफील आ चुका है, ब्रीदिंग ज़्यादा है क्योंकि बैग है, और उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो तो होंगी। फिलहाल बात करते हैं हम इस ब्लॉग के बारे में। सूद भाई कैसा है, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब, आप भी आइए, निम से कोर्स करिए, और काफ़ी फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है हमारा जो करेगा। मज़ा आ रहा है छोटो, कैसे हो? मस्त भाई, टीम के गब्बर। और कैसा लगा? मजे 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 मजे, मौज कर दे, बहुत मौज। सो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्ट पॉइंट पे, जहाँ निम से हम चले थे वहाँ से हमारा एक पहला स्टॉप है, वाटर ब्रेक। जी तो भाई, काफ़ी पहले मिले थे मुझे, लगभग 2-3 साल पहले, इनने भी पहचाना नहीं, मैंने भी नहीं पहचाना, वो सडनली बात हो गई हमारी, तो अच्छा रहा। बढ़िया, कैसा अभी तक? अभी तक अच्छा है, ये पहला रेस्टिंग पॉइंट है जो अभी निकले हम टेकला के लिए जी। अभी आगे यही रास्ता हो रहा है, बाकी अभी 1-2 घंटे और लगेंगे। ठीक है, मज़े करते हैं। हाँ भाई, ये तो कल मिला था मुझे। हाँ ब्रदर, क्या हाल है, कैसा है? वॉलीबॉल खेल रहा, काफ़ी अच्छा खेल रहा था। हाय ब्रो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग से ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी नाउ टाइम इज मॉर्निंग। यस,
हाँ अभी तो मॉर्निंग है। सो हमारे जो ग्रुप के क्वार्टर मास्टर हैं जयदीप भाई, और हमेशा पनिशमेंट लेते हैं। आज भी पनिशमेंट लिया था, क्या लिया था? आज कुछ नहीं लिया, ये लोन डेलो कर देते थोड़े से ये। हाँ, इसीलिए हम जल्दी निकल गए थे। मजे में आपका तो अपना ड्रेस कोड है भाई। हाँ, ये लोग हैं, कौन नाम क्या है? बिज्जू, विजेंद्र, राहुल, ये सारी से हैं। ये आपका इधर से हम आए, और एक ये रूट है नीचे का, और हम लोगों को जाना है इस रूट पे। फोटो खींच रहे हैं। तो हम लोग आए हैं इस जगह से, जो ये वाला रिज दिख रहा है, इस रिज के पीछे से हम लोग आए हैं, और वहाँ से चलते 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 इधर पीछे से एक छोटी सी दुकान, किसी को कुछ लेना हो तो यहाँ से ले सकता है, और यहाँ से होता है हमारा ऑफ रोड शुरू। जो रास्ता है कुछ इस प्रकार है, बहुत संकरा है, रास्ते में जो झाड़ियाँ हैं इनको, इनसे बच के जाना है हम लोगों को। यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता हुआ और लगभग 9 किलोमीटर चलने के बाद अपहिल शुरू हो चुका है, तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई है वैसे। और इसके बाद जो राशन वगैरह है, टेंट वगैरह है, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास है, और टेंट वगैरह जो आगे ग्रुप जा रहा है ग्रुप के पास है, और ये हमारे सीनियर। हेलो सीनियर मैडम, मैडम आपको जो एक्सपीरियंस है कैसा है? आपने वैसे पहले तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम पहले से करके आए हैं, तो रूट हमें पता है कैसे चलना है क्या करना है। हम हर डे चलते थे वहाँ से, एनआईएम से यहाँ तक। पर डे होता था वापस जाने के लिए हम बस में जाते थे शाम को। सुबह कौन कौन सा ट्रैक किया है? ऑल एक्सपीडिशन, ऑल ट्रैक, हकीदून, पास, जॉगिंग, थ्री, इन चीज़ों का जो ट्रैकिंग है, एडवेंचर जितना भी सीखेंगे उतना रिलीफ कम लगता है। जितना सीखोगे उतना बेटर है, क्योंकि आप फिट रहोगे, लोगों को मोटिवेट करोगे, और लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस दोगे, और आपके साथ जो मेम्बर होंगे बहुत सेफ रहेंगे। इस बार मैं भी फिटरा अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में कम एज की और छोटी लड़की थी फर्स्ट। यस, आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपको अवार्ड दिया गया उसके लिए। सो फाइनली हम आज का जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है उस पर पहुँच चुके हैं। ये जगह है हमारा जो आज का जो कैंप सेटअप हुआ है, कुछ इस प्रकार है, और लोकेशन योगा के साथ साथ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन वाला जो है। हम घर पे ट्रैकर को ऑर्गेनिक फूड खिलाते हैं ताकि फिटनेस बाहर से भी सही रहे, योगा करे और आगे जाए, ठीक है, इम्यूनिटी अंदर से भी बढ़ाए, केमिकल फूड ना खा के ऑर्गेनिक खाए। हमारा जो पूरा एरिया है जो गोविंद नेशनल पार्क में आता है, वो सारा ना ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन करता है। सो अभी पीटी वगैरह चल रही है, थोड़ा सा वार्म अप होंगे। हेड कौन सा है भाई? कौन सा है?
अभी हमें और सब व्यूज है, व्यू है, और ये सारा हमारा जो कैंप सेटअप है कुछ इस प्रकार है। थोड़ी देर में दिखाएंगे जो डाइनिंग हॉल है हमारा, ये सामने है। और अभी थोड़ा सा डांटना खाने की वजह से बंद करता हूँ फिलहाल, बाद में दिखाऊंगा। तो फिलहाल खाना मिल चुका है, अंडे हैं, पराठे हैं और एप्पल है। तो ये जगह है, से मिले हुए हैं जिसमें खुद लेना है खाना है और धो के रखना है। तो आज खाने में दलिया है, अंडे हैं और चीज़ भी है, सेब है, सेब है, चना, पराठे हैं, चना है। तो भाई लोगों कैसा हो गया यार, मेरे को 4 दिन हो गए। भट जी ज्यादा ही, एक अंदर बैठ, एक अंदर बैठ गया आप लोग। खाना जरूरी है, मिलने दो घंटे इधर भाई को वीडियो दिखाने के लिए। प्रथम हो गया, दो रोटी में ना जा रहे हो क्या, पता हो गया होगा दो रोटी में। रोटी मिली थी, जो भी पराठे थे। तो इसको करने के बाद फिलहाल आधे घंटे का रेस्ट है, रेस्ट। भट जी लड़ाई हो रही है, धुलाई हो रही यार यहाँ। भट जी यार सब आज सब नहीं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो सुन ना। तो बोलो मुझे क्या दिखाना चाहते हो, बर्तन धो रहे हैं। अब अपना बर्तन धोने में क्या है, खा रहे हो तो अपना बर्तन धोने में कौन सा शर्म है। हाँ, जो बॉयज का जो वॉशरूम है वो इस जगह है, ये हो गया आपका किचन, और जो बर्तन वगैरह धोने के लिए इस जगह है, और जो नीचे है इस जगह सर लोगों का अपना जो डाइनिंग हॉल है वो इस जगह है। ये सर लोगों के जो कैंप है, कैंप वगैरह है, और हम लोगों के जो कैंप लगेंगे वो इस जगह लगेंगे, और जो गर्ल्स का है वो इस जगह है, यहाँ पीछे है। टेंट मिल चुका है, ये वाला टेंट है हम लोगों का, और लगभग टाइम हो रहा है आपका 10 बज रहा है, 10 बज गया, अभी ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद होगा हमारा लंच होगा। टाइम हो रहा है 10 बजे, अभी अपना रूम तो मिल ही चुका है जिस टेंट में हमने रहना है, और सारे लोग अलग अलग जगह है, जो ग्रुप वाइज थे ग्रुप वाइज रखा गया है। सो टाइम हो रहा है आपका 1:30 बज गया है, 1:30 बजे हमारा जो लंच है लंच हो चुका है जस्ट अभी वो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं छोटू, जा रहे हैं थोड़ा ऊपर क्लाइंबिंग। यस पाँव के सामने
हेलो, कैसा था? बहुत मजा आ रहा भाई। ये रसी ठीक है भाई, तो पूछ लो। इस जगह 10 लोग रहेंगे, जो हमारा ग्रुप है 10 लोग यहाँ पे रहेंगे। तो फाइनली ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, समाप्त करने का टाइम आ चुका है। टाइम हो रहा है आपका लगभग, टाइम कितना हुआ भाई? 5:27 लगभग टाइम हो गया आपका, 5:30 हो चुका है। सुबह 8 बजे से लगा हूँ मैं भी ब्लॉगिंग पे, और अपना जो जिस काम के लिए मैं यहाँ आ रखा हूँ एडवेंचर, वो भी कर ही रहा हूँ। तो फिलहाल अगर हमारे को इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह के साथ। सो बाय।